मेरे घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, वहां से चोरी हुई है। मैं मानता हूँ सामान बिखरा हुआ है, चोरी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बाहर से आया सामान समेट के चला गया। क्या मतलब है आपका, मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि चोरी हुई नहीं, करवाई गई। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपका क्या ख्याल है कि ये चोरी मैंने खुद की है? मैंने आपको बताया ना, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल तफ्तीश के लिए मैं आपके डिस्पेंसर को साल लेके जा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, वेरी गुड। आप मेरे डिस्पेंसर पर शक कर रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि मुझे किस पर शक है। बीबी आप बताएं आपको किस पर शक है। इंस्पेक्टर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरे घर में चोरी हैदर ने करवाई। वो दो दिन पहले मुझे धमकी देकर गया था कि अगर मैं दो दिन में ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी तो वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए बीबी, आप किसी शरीफ आदमी पर खामखा शक कर रही हैं। शरीफ आदमी? देखिए उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बहरहाल तफ्तीश के लिए मैं आपके डिस्पेंसर को लेकर जा रहा हूँ। देखने में तो आप भी मुझे शरीफ आदमी लगते हैं। बहरहाल ले जाइए मेरे डिस्पेंसर को और अपना शौक पूरा कर लीजिए। शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो? क्या करूंगी ये किताबें पढ़कर? ये किताबें झूठे ख्वाब दिखाती हैं। ये बेवफा और बेमुरव्वत है। इन किताबों में तो सच लिखा है शानी, और ये किताबें कभी भी ख्वाब नहीं दिखाती, सच का रास्ता दिखाती हैं। झूठे और बेमुरव्वत तो इंसान होते हैं, और शायद तुम मुझे ऐसा समझती हो। तुम बताओ मेरा रास्ता कहाँ जाता है? मेरी मंजिल कहीं भूल भुलैया में खो तो नहीं गई? बताओ। जिस रास्ते को तुम अपना समझती हो ना, वो कभी भी तुम्हारा रास्ता नहीं था। हकीकत पसंद बनकर किताबों को पढ़ोगी तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद ब खुद नजर आ जाएगी। कुछ समझी तुम? जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आप तो बहुत बहादुर हैं जी, आप घबरा गई हैं। डॉक्टर जी आप ना जाएं जी, हम इलाज किससे करवाएंगे? चोरों से डरना फितरी बात है। अगर ताहिर को पुलिस ना लेकर जाती तो फिर शायद मैं यहीं रहती, मगर अब अकेले इस तरह यहाँ रहना। आप ऐसी बातें ना करें बाजी जी, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं जी। हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, आप हमारे घर चलें जी। आप हमारे घरों में आकर हमारी औरतों का इलाज करती हैं, उनके दुख सुख बांटती हैं। आप हमारी बहन बेटी हैं जी, आप ना जाएं जी।
हाँ हाँ नादिया बेटी, ये ठीक कह रहा है। हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं, बल्कि हम तो आपको लेने आए हैं। आप हमारे साथ चलें, आपका वाकई अकेले जाना मुनासिब नहीं है। आप हमारे घर चलें, बल्कि रोजाना नौकरी के बाद आप हमारे घर आ जाया करें। हाँ बेटी, ज्यादा ना सोचे, आ जाए, आपका अपना ही घर है। भाई रोको ना, चलिए चलिए, चलो नादिया बेटी, चलो आ आ आ, आ। हमाद, अब तो तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैंने तुम्हारी बहन की खातिर तुम्हारे अब्बा की तमाम शरायत और पाबंदियां कबूल की, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं नादिया को भी मुझसे छीन कर ना ले जाए। फिर वो डॉक्टर भी नहीं बन सकती थी। मैं आपके दुख के एक एक लम्हे को महसूस कर सकता हूं। मैं जानता था कि आपकी दुआएं हर वक्त मेरे साथ हैं, और ये एहसास हर वक्त रहता था मुझे, हर वक्त। इसीलिए जब भी मैं उदास या परेशान होता था, मुझे लगता था जैसे आप मेरे आसपास कहीं हैं। मैंने भी तुम्हारी हर सालगिरह पर तुम्हारी यादों की शम्में अपने दिल में जलाई हैं, तुम्हारे लिए तहाइफ खरीद खरीद कर जमा करती रही, ताकि जिस दिन भी तुम मुझे मिलो, मैं सब तोहफे तुम्हें दे सकूं। ये तुम्हारे बचपन के तोहफे, ये देखो, ये और देखो, ये तुम्हारी नौमरी के लिए, और ये देखो, ये अब जब तुम जवान हो गए हो ना, तो ये अब के लिए तुम्हारे तोहफे। अड़ी सुखा, अल्लाह तुझे सुखी रखे। तेरे मुंह में घी शक्कर, आज कोई मुंदरियां कांटे जेवर उधार पे नहीं लेगी। आए हाय सोनी, भला मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे नकली घटिया जेवरों की? बोल, क्या मतलब है तेरा? आज तुझे इन जेवरों की जरूरत नहीं है। सोने भाई, इसको असली सोने के जेवर जो मिलने वाले हैं। क्या मतलब है? कोई खजाना हाथ आ रहा है? यही समझ लो सोने भाई, इसकी मंगनी कबीर खान के छोटे भिरा से हो रही है, जो कि बाहर के मुल्क में रहता है। हैं, कबीर खान के भिरा नाल? तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान नहीं, परेशान हो रहे हैं। तुम लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हो, तुम दोनों की शक्लों से ही परेशानी टपकती है, लगता है कि हमेशा ऐसे ही रहोगे। चल नूरी, हम चलते हैं, चल। अपने अपने नसीब की बात है, यहाँ तो जेवरों की बातें हो रही हैं। एक हम हैं कि सारी हयाती नकली जेवर बेचते बेचते रह जाए। जुल वे जुल। अच्छा तू परेशान ना हो सोने, अल्लाह ताला तेरा नसीब भी कभी ना कभी खोल देगा। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी हो या प्यार मेरा। नाजो, वो फलासी कहाँ है? कई दिनों से नजर नहीं आ रही। अब्बा, वो तो पेटी में पड़ी है। अब्बा, नाजो सुखा, मैं आ गया। सिराज बेटा, तू आ गया, हवालात से किस तरह आया तू? अब्बा, कबीर खान ने अपनी जमानत पे मुझे रिहा करवाया है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई घर वापस आ गया। जी दुखे अब्बा, तो हमेशा के लिए आ गया है ना? नहीं, अभी
खून माफी का बयान नहीं हुआ है। जब वो बयान हो जाएगा तो फिर इस रफड़ से मेरी जान छुट जाएगी। अपा, मैं तो तरस गया था अपने घर को, अपने घर वालों को शिकले देखे हुए, अपने बच्चे को प्यार किए हुए। अपा जे दुखे, अपा हमने भी तो गिन गिन कर रो रो कर दिन गुजारे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त काटा है तेरे बगैर। अल्लाह मेहरबानी करे सी, अब मैं आ गया हूं ना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, नाजो तू बातें किए जा रही है, जल्दी से चारपाई पर खेस बिछा, इसके लिए रोटी पका, पता नहीं कितने दिनों से फर्श पर सोता आ रहा है, बेलज़त दाल खाता रहा है। रहने दे अब्बा। नहीं नहीं नहीं, नहीं जेदू के अब्बा, तू इतने दिनों के बाद आया है, मैं तुम्हारे लिए गोश्त बनाऊंगी और मीठे चावल भी, तुझे बड़े पसंद है ना। हाँ हाँ, रज के खाना, चला मिल के बनाते हैं। हाँ, अब हम सब मिलकर खाएंगे। नूरी तुम यहाँ मेरे पास हो अकेली, और तुम्हारे अम्मा अब्बा वहाँ परेशान है। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि तुम ड्रामे का वाइंड अप कब करोगी, कब खत्म होगा? वो जब तक हमाद नहीं आ जाता वो 20 ऊंट लेके आता ही होगा। हमाद? जी जी, साई मंसूर खान साहब का बेटा, उसने मुझे इंतजार करने को कहा है। हमाद भाई जी, आप उन्हें जानती हैं? हाँ नूरी, क्या तुम समझती हो कि तुम हवेली में खुश रहोगी और वो तुम्हें कबूल कर लेंगे? मैं हमाद की खातिर हर दुख सह लूंगी जी, और फिर वो शहर गया है, हो सकता है मुझे भी साथ ले जाए। वाकई मामा इतनी प्यारी बहू देखकर बहुत खुश होंगे। मामा? मामा कौन है जी? हाँ वो, मेरा मतलब ये है कि हमाद का कोई तो बड़ा बूढ़ा होगा, उसकी माँ, जिसके पास वो तुम्हें छोड़कर काम पर जाया करेगा। जी जी पता नहीं। नूरी जब तुम्हारा ब्याह होगा ना तो मैं तुम्हें मेकअप करूंगी, तुम पर मेकअप बहुत सूट करेगा, तुम्हारी बारात के साथ भी जाऊंगी, बहुत खुशियां मनाऊंगी। तुम शर्माती भी बहुत अच्छी लगती हो नूरी। नूरी कभी तुमने सोचा है कि ये वट्टे सट्टे की रस्में नहीं होनी चाहिए, 20 सूटों की शर्तों के बगैर भी शादी हो सकती है? जी ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो हम औरतों को सोचना है कि हम किस तरह इस बुरी रस्म को खत्म कर सके। तुम हमाद के बारे में सोचो और मैं अपने बारे में सोचती हूँ। हाँ याद आया, नूरी तुमने मुझे बताया था कि गांव में चारों तरफ सरसों के फूल निकले। हाँ जी, आपने देखने हैं? हाँ नूरी, आइए मैं आपको लेके चलूं। चलो, मुझे बहुत शौक है सरसों के फूल देखने का। चलो। सर वापस इस घर में आ गए। डॉक्टर ने कहा है? खैर तो है, वो अपने अस्पताल गई है। ये अच्छा भला पता है चाचा कि उसने अस्पताल से सामान चोरी करवाया है, और तुम लोगों ने उसे यहाँ पना दे रखी है। चोर वो नहीं, तुम जैसे लोग होते हैं जो अपना मतलब पूरा होने के बाद नजरें चुरा लेते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, यानी कसूरवार मैं हो गया? कल तक जब तू जेल में बंद था तेरे ही घर वाले मेरे अभी हाथ जोड़ते थे, और आज तुम लोग मुझे आंखें दिखाने लगे हो ना। तो तुमने हमारी कौन सी मदद की है, बोलो जवाब दो। वो कबीर खान के कब्जे से अपना बच्चा तो हम खुद छुड़ा के लाए हैं, और सराज को छुड़ाने के लिए हमें विनती की शर्त मानना पड़ी।
बोलो जवाब दो, क्या मदद की है तूने हमारी? तुम भी तो नूरी को मेरे लिए नहीं मना सकी, उसका पाप बिरादरी के आगे झुका है, तुम्हारे कहने से नहीं। अदा तुम मत बली इंसान हो, चले जाओ यहां से। मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना परजाई, डॉक्टरनी ने अस्पताल से सामान चोरी किया है और उसके इस जुर्म में तू बराबर की शरीक है। उसने मेरी जान बचाई है, वो इस गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करती है। याद रखो हैदर, इस गांव के सब लोग उसके साथ हैं। उसकी मुखालफत करके कहीं मुसीबत में ना फंस जाना। तुम लोगों को समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन अगर कोई खुद अपनी आंखें बंद करके अंधे कुएं में छलांग लगा रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूं? अब खुद भुगतना, ते बल चल सो चल। चल सो चल, पहले भी हमने भुगता था, अब भी भुगत लेंगे। सरे जी साईं, डाढ़े। अच्छा साईं, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं, क्या फैसला किया आपने? फैसला मैंने ये किया है जेबो, कि मुझे हमाद के पास जाना है, उसे हर सूरत मना कर लाना होगा, वरना इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं तो कहती हूं कि छोड़े उसे, अपनी मां के पास ही रहने दे, यहां होता है तो यहां भी हजारों मसले खड़े रहते। नहीं, मैं अपने बेटे को भला कैसे छोड़ सकता हूं, उसके सिवा मेरा वारिस है कौन? तो क्या आप उसकी हर जायज नाजायज मानेंगे, उसके लाड उठाएंगे, आप अपनी इज्जत शान वकार को खाक में मिला देंगे? खैर ये बात की बात है, पहले उसे आने दो, फिर सोचेंगे कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं। हाँ, तुम बता रही थी कि शादे ने हमाद की जीप का पीछा किया था। हाँ, मैंने भेजा था उसे कि देख कर आए हमाद कहाँ जाते हैं। उसने समिया के घर तक उसका पीछा किया था। समिया के घर, जिसका मतलब है शादे को उस घर का पता लग गया है। अब मुझे हमाद के पीछे मुल्तान जाना ही पड़ेगा। नादिया कैसी है? मैं उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ, कोई उसकी खबर ही नहीं है। बेटा, उसने अपना मोबाइल भी ऑफ कर रखा है, और तुम्हें पता है जब वो परेशान होती है और अपनी परेशानी मुझे नहीं ना बताना चाहती तो हमेशा अपना मोबाइल ऑफ कर देती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसने अपने मिशन की खातिर खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया है। उसको हमें इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा, और एक काम शर्जील सिर्फ तुम कर सकते हो। आंटी, मैंने डैडी से बात तो की है, वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। इस काम में अब देर नहीं होनी चाहिए, उनको को के जल्द से जल्द मिले, ताकि इसकी शादी हो जाएगी ना नादिया की, तो मेरी फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। ये हमाद है, नादिया का भाई, और ये है डॉक्टर शर्जील, नादिया का क्लास फेलो। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नादिया हमेशा अपने बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस करती है, अच्छा आप लोग मिल गए। हाँ मिल तो गए, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही, मैं यहाँ आया हूँ तो वो वहाँ चली गई, काश हम साथ रह सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन हम सब मिलकर रहेंगे। दुआ करें। आप बैठे। थैंक यू।
आओ घर चले। पुत्र तुम्हारी वजह से तुम्हारा दादा बीमार है, बहुत परेशान है, मैं परेशान हूं। तुम्हारे बगैर हमारी हवेली सुनी सुनी होगी है पुत्र। अबाजी आपकी बड़ी सी हवेली में मैंने बहुत सुनी सुनी जिंदगी खुद गुजार ली है, लेकिन इस छोटे से घर में मुझे बहुत सुकून है। अपनी जिंदगी बहुत मुकम्मल और भरपूर लग रही है। देख पुत्र, इस शहर में तेरा क्या मुस्तकबिल है? मामूली सी तलीम के साथ तुझे यहाँ कोई नौकरी मिल जाए? शहर को छोड़ चल, अपनी जमीनों पर जमींदारों की तरह अपनी जमीनें संभाल। अब समझ में आया। अब अजी क्यों घुमा फिरा के बात करते, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको अपनी जमीनों की राखी के लिए कोई बनना चाहिए? लेकिन अब अजी जिस मोहब्बत और छाओं की मुझे जरूरत और तलाश थी वो मुझे मिल गई। अब मुझे आपकी जमीनें नहीं चाहिए। अगर जमीन नहीं चाहिए थी तो फिर अपने दादा से तुमने जमीन बेचने की अथॉरिटी क्यों ली? हाँ वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो मैंने बेचना था इसलिए। वैसे इस तरह के छोटे मोटे टुकड़े तो आप जैसे बड़े जमींदार लोगों को तोहफे में दे देते हैं, मैं तो फिर वारिस हूं। एक बात कान खोल कर सुन लो हमाद पुत्र, मुझे खानदान की इज्जत छानो शौकत ज्यादा प्यारी है। जिस मामूली लड़की की खातिर तू जमीन का टुकड़ा बेच रहा है मैं वो नहीं बेचने दूंगा। चलो चलो मेरे साथ घर। अब मुझे घर तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे अपनी जायदाद से आके क्यों ना करते। मैं अपनी माँ की मोहब्बत और ममता पर सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। किस ममता की बात कर रहे हो? कौन सी माँ? वो लालची और ड्रामा कर रही है हमारे साथ ड्रामा। उसने नेपालक बेटी को मेरी बेटी जाहिर करके जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की है। मुझे बात करने दो। मुझे यकीन था कि तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें ये ताना जरूर देंगे। नादिया तुम्हारी जुड़वा बहन है और ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है। मंसूर साहब आप भी ये देख लीजिए, इसमें अस्पताल के सब कागजात और सर्टिफिकेट मौजूद हैं, जो आपको बता सकते हैं कि नादिया आप ही की बेटी है, नेपालक नहीं। मेरी बेटी जी, और ये फाइल मैंने आपको इसलिए दी है कि आइंदा आप इन बच्चों को ताना ना दे सके और ना इनकी तस्लील कर सके। जायदाद के हाथ नहीं। डैडी, नादिया की मम्मी चाहती हैं कि आप लोग उनसे जल्दी मिलें। आपने मम्मी से बात की? बेटा की थी, लेकिन वो नहीं मानती। नहीं मानती? क्यों डैडी? क्या वो नहीं चाहती कि डॉक्टर नादिया उनकी बहू बने? दरअसल उस दिन वो नादिया से मिल लेती तो उसको जरूर पसंद करती। नहीं बेटा, ये बात नहीं कि वो नादिया से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। तो डैडी क्या बात है? बेटा वो कहती है कि ये झूठ निभाना बहुत मुश्किल है कि तुम सुभान के नहीं हमारे बेटे हो, और अगर हम रिश्ता लेने के लिए गए भी तो उसके घर वालों को हकीकत बताना होगी। लेकिन डैडी इस तरह तो रिश्ता नहीं लेंगे, प्लीज आप मम्मी को समझाएं। बेटा उसने एक शर्त आई। शर्त? कैसी शर्त? बेटा वो कहती है कि जो कोठी मैंने तुम्हारे नाम लगाई है वो कोठी मैं वापस ले लूं, तू हमारे साथ तामन करने के लिए तैयार है। ये कैसी शर्त? बेटा मैंने उसकी शर्त तुम्हें बता दी, सोचकर मुझे बताना।
सास मासी, हमसे और इंतजार नहीं किया जाता। नूरी के जिन आप लोगों से नहीं निकलने वाले, हम खुद ही निकलवा लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कोई नहीं मेरा, अगले जुमे को बरादरी को लेके मैं आ जाऊंगी और नूरी का हाथ मेरे हाथ दे देना, ठीक है ना? तैयारी कर लो तुम अपनी। मुमताज, मैंने कहा ना मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, हमने बहुत सफर किया, हमसे और सफर नहीं होता। मुमताज, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर शादी वाले दिन दौरा पड़ गया तो फिर क्या होगा? तो हाथ पैर बांध किसको साथ ले जाऊंगी, मुझे और ना परेशान करो, समझी मासी? हमारी बेटी क्या कर रही है? चाचा, मुझे कोई ऐसी कश्ती बना कर दे जो बहुत दूर जाए, बहुत दूर, उन जज़ीरों में जहाँ कोई भी ना आ सके, कोई भी ना। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम इतनी मायूस क्यों हो? बेटी, तुम हमें बहुत प्यारी हो, अच्छा सोचेंगे, तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूं, प्रोफेसर बनूं या फिर किसी दफ्तर में काम करूं, लेकिन अब ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। बेटी, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करें, तुम जितना पढ़ना चाहती हो ना पढ़ो। मैं शर्जील के दिए पैसों से नहीं पढ़ना चाहती चाचा, मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर तर्स खा के मेरी तालीम का खराजात उठाए ताकि मैं
जब मैं कुछ बन जाऊं तो उसके आसानों तले दबी रहूं। एहसान, एहसान कैसा बेटी, वो तुम्हारे चाचा का बेटा है, उसका तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? अगर उसे खून के रिश्ते की पहचान होती ना तो सारी खुशियां आपके साथ यहां मिलके बांटता, उसे एहसान करने वाले बाप के साथ नहीं। जब मैंने उसे सेठ वहीद को दिया था तो उसने मेरी हर आस हर उम्मीद को मिटा दिया था। मेरा तो ख्याल था कि वो मुझे अपना मानेगा भी नहीं, मैंने तो उसका मुस्तकबिल सोचा था और वो उसे मिल गया बेटी। चाचा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मुस्तकबिल बना लूं तो मुझे इजाजत दे कि मैं वजीफे पर नर्सिंग का कोर्स कर लूं। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ, किसी पर बोझ बने बगैर। मैं अपने कदमों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी खुशी। हेलो नादिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें वहाँ कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं है? अभी तो ठीक हूँ, बस पिछले दिनों चोरी हो गई थी मेरे यहाँ, उसकी वजह से कुछ परेशान हो गई थी। मैंने भी अपने महकमे को लेख दिया है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तुम आओगे तो फिर तफसील से बताऊंगी। खुदा हाफिज़। यहाँ किस हाल में पड़े? क्यों, क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ बहुत अच्छे हाल में हूँ बेटा, खुदा मुझ पर मेहरबान है। खुदा को याद करता हूँ तो दुनिया भर का चैन आराम मिल जाता है। अब्बा जी, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आपको, बड़ा तलाश करना पड़ा है आपको। लेकिन मैं तो अपना सारा असासा तुम भाइयों के नाम करके आया था, फिर भला मेरी क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? और इतने अरसे बाद मैं कैसे याद आ गया तुम्हें? हम तो हमेशा आपको याद करते रहे अब्बा जी, लेकिन आप ही अपनी नाराजगी नहीं भूले, और मुझे लगता कि आप अभी तक नाराज। नाराज कैसे ना होता मैं? अरे तुम तो उस खानदान के बेटे हो जो अल्लाह की राह पे हमेशा काम करता रहा, लेकिन जब तुम भाइयों ने चोर डाकू वाले रूप धार लिए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा और यहां आ गया, यहां आकर अपने अल्लाह की याद में खो गया। हाँ, अल्लाह की याद में खो गया। छोड़े अब्बा जी इन सब बातों को, हम आपकी खिदमत करेंगे, मैं अब आपको साथ लेके जाऊंगा। नहीं, नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा,
नहीं जाऊंगा मैं वापस। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे माफ कर दें। वैसे भी जिस भाई ने आपको सताया, चोरियां और डाके डालने लगा, उसको तो उसके किए की सजा मिल गई। हाँ, मुझे खबर मिल गई थी। मैं तो उसके सीधे रास्ते पे चलने की भी दिन रात दुआएं मांगता रहा, लेकिन जब मुझे खबर मिली तो मैं सब्र कर गया, सब्र कर गया। मैं सब्र कर गया। मैं अब्बा जी खुदा के लिए हमें माफ कर दें, बस छोड़ दें अपनी जिद। मैं अब आपको साथ लेके जाऊंगा। अब्बा जी चले मेरे साथ, चले अब्बा जी घर चल। देखो चाची, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी काम इसकी मर्जी के खिलाफ मत करो। तुम अपनी बिरादरी को भी समझाओ और खुद भी समझो। ये रस्में पुरानी है, इनको अब बदलना चाहिए। ये कोई तरीका है कि औरत को कोई लेने देने वाली चीज समझ कर वटे सटे में दे दिया जाए? डोरी की माँ, अरे अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? इसकी हालत तो बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर ने को बुला लो। अरे अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं अभी डॉक्टर ने को बुला के लाता हूँ। अभी अम्मा जी, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अम्मा मुझे देख लो गौर से, जी भर के प्यार कर ले अम्मा। शायद मैं ना बचू। नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं खुद अपनी जान दे के भी तेरी जान बचाऊंगी। आप ऐसा करें, एक्सरे लिखा है मैंने, एक्सरे करवा के परसों फिर मुझे चेक करवाइएगा और दवाइयाँ ले लीजिएगा, ठीक है? ये दवाइयाँ हट्टी से मिल जाएंगी जी? हट्टी से नहीं मिलेगी, बाहर कम पाउडर से ले लीजिए। अच्छा जी, ठीक है। आपके जख्म अब ठीक है? जिस्म पर लगे जख्म तो भर गए, अब अपने दिल और रूह पर लगे जख्म दिखाने आया हूं बेटी। बेटी,